कौन कौन सी वैरायटी सर, कौन कौन सी फसलें आपके पास हैं फिलहाल यहाँ? सर मेरे पास में अभी जो है हाई सेवन अमरूद है, बर्फ खाना है, ललित है, L49 है जी। ये काफ़ी 5-7 वैरायटियाँ हैं मेरे पास। तो सर जो ये आपकी जो वैरायटी है इसमें जो आप फल हैं आपके जो भी अमरूद में, कितनी वैरायटी आपके पास? अमरूद के में मेरे पास में सर अभी प्रेजेंट टाइम पे 5 वैरायटियाँ हैं जी जी, जिसमें कि हाई सेवन है जी जी, और बर्फ खान है जी जी, और ललित है जी जी, L49 है जी, और आपका BNR। सर क्या इनको घरों में भी लगा सकते हैं हम फसलों? जी सर इसमें इनको घरों में लगा सकते हैं, इनकी अगर कोई प्लांट बड़ा भी है प्लांट तो घर में कोई सा भी आप लगा सकते हैं जी जी। बट उसमें क्या है कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है 3G कटिंग जी जी, जिसके माध्यम से हम घर पे पौधे को जो हाइट लेता है उसको भी हम स्मॉल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और अच्छा फल और काफ़ी सालों तक फल ले सकते हैं। तो उसकी हाइट कितनी रहती है घर में लगाए, क्या गमले में इसको लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, गमला को थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसमें क्या है कि रूट के लिए हमें रूटेक्स पाउडर और होमिक वगैरह जो खाद वगैरह जो होता है, अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं घर के लिए या फिर किसी प्रकार का आप मतलब कोई भी जहर नहीं डालना चाहते तो देसी खाद से आप इसको संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो सर कितनी हाइट जाती है मैक्सिमम इन फसलों में? जैसे कि ये पौधे के ऊपर डिपेंड करता है सर, जैसे कि अमरूद का पौधा है हमारा जी जी, तो करीब कुछ पौधा 8 फीट की भी हाइट लेते हैं जी जी, कुछ पौधे 15 फीट की भी हाइट लेते हैं जी जी। तो ये पौधे की गुणवत्ता पे और पौधे पे निर्भर करता है कि वो कितनी हाइट लेगा। तो आपके पास जामुन, अमरूद, नींबू ये सभी वैरायटी अवेलेबल है? जी जी जी, मेरे पास में जामुन है, किन्नू है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, चीकू है, हाई एप्पल बेर है, पपीता, ये सभी प्रकार के मेरे पास में पौधे हैं। सर एक बात करते हैं, अमरूद यदि कोई अमरूद घर में लगाता है तो उसकी फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? सर आप हमारे पौधे के लिए अमरूद के बजाय घर में लगाएं या खेत में लगाएं तो वो आपके लिए 8 महीने के अंदर फल देना शुरू कर देता है। आप घर के लिए ऐसा है कि फर्स्ट टाइम पहली बार जो फसल देगा वो करीब 1.5 से 2 किलो आपके लिए फल देगा सर। तो यदि आप चाहते हो इस तरह का कोई पौधा अपने घर में लगवाना ताकि आपके बच्चे को केमिकल रही जो फल मिल सके, तो आप इस नर्सरी पर आए और फल जो है फल के जो पौधे हैं लेकर जाएं। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पहले मेरे साथ चलिए और देखिए किस की तरह की जो है वैरायटी सर के पास है। सर थोड़ा सा बताओगे, जैसे ये तो मेरे को पता है कि ये अमरूद का पौधा है, ये अमरूद है, इसकी किस्म है बर्फ खान, ये बर्फ खान किस्म है हमारी अमरूद की, ये साइड ग्राफ्टेड है, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है आज के समय की और जल्दी फल देने वाली वैरायटी है अमरूद की, आज के टाइम पे सबसे उभरती हुई किस्म ये निकली है बर्फ खान। बर्फ खान जी जी। तो और सर जैसे ये पीछे क्या है सर आपके पास, ये पीछे की वैरायटी है ये बताओगे सर थोड़ा हमारे? बताना चाहूँगा जी जी, ये मेरे पास में चीकू है, ये चीकू 1 साल बाद आपके लिए फल देना शुरू कर देता है और इसकी हाइट करीब 7 फीट की हाइट है। तो सर के पास इस तरह की जो है काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी जो पेड़ पौधे सर के पास है, यदि आप चाहते हो इस तरह का कोई भी फल लेना तो सर से बात कीजिए और अपने घर में ऐसे तरह के पौधे लगवाइए और अपने बच्चे को केमिकल रहित फल खिलाइए। आखिर में आपसे मेरा अनुरोध कि मेरा चैनल यूट्यूब पर प्रॉफिट का चैनल जो हमारा प्रॉफिट की बात सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी का आइकन दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।